हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे कि मिडीकी को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मिडीकी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक यूएसबी केबल आती है, जो कि आप जब मिडीकी परचेस करते हो तो ये इस टाइप की एक यूएसबी आती है साथ में, जैसे कि जिसमें एक साइड ये वाला जो पोर्ट रहता है ये मिडीकी के अंदर कनेक्ट होता है और ये वाला जो आपके कंप्यूटर में लगता है। और ये प्लग एंड प्ले होता है, इसमें आपको ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होता है। ये मिडीकी क्या होता है कि जो ड्रॉ में आप एक इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर जो भी रहते हैं वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो इसमें खुद में साउंड नहीं होता है, ये सारा साउंड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से आता है। यानी ये अभी प्ले करोगे तो ये प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली मिडीकी का मतलब होता है कि की आती है, जो कि आप यहाँ से की प्रेस करोगे तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपके डो के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वहाँ जाके वो म्यूजिक आपका प्ले होगा। तो मिडीकी में इसमें कुछ पीछे तीन बटन्स दिए हुए हैं, ये स्विच ऑन ऑफ का है, ये आपका कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट है, और ये वाला सबस्टेंशन है, ठीक है। और ये वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। ये ऑक्टेव है, जो कि पिच, जो ऑक्टेव आपके ये स्केल है ऑक्टेव है, इसको अप और डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रांसपोज बटन है, जिसकी पिचिंग कर सकते हो आप, ठीक है। और ये वाला है आपको सिंथ साइजर टाइप, सिंथ टोन को प्रोवाइड करता है। ये अगर कर दोगे तो आपकी सिंथ से एकदम जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एकदम लहराने वाली टोन होती है, इस तरह से इसको बढ़ाओगे तो वैसी टोन हो जाएगी, और इससे वही आप प्रेस करते रहोगे तो वो लहराती जाएगी टोने, ठीक है। ये परमानेंट सेट हो जाता है, और इसको इस तरह से नोब को प्रेस करते हो तो वो पिचिंग टोन लहराती रहती है, ठीक है। ये वाला नेक्टर एसी 49 की का है, जो सबसे चीप है आपके लिए, 49 की का होता है, और ये सस्ते में मिल जाता है आपको, 7000 समथिंग कुछ में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो यूएसबी है हमारे मिडीकी में कनेक्ट करता हूँ, ओके। ये वाला यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और ये स्विच है, इसको ऑन कर देते हैं हम लोग। अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, मैंने काफी अंदर कंप्यूटर को रखा है। ये कंप्यूटर का यूएसबी पोर्ट है, इसके अंदर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये वाला देखिए, ये यहाँ पर है इसका यूएसबी पोर्ट, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम हमारे कंप्यूटर में चलते हैं। जैसे ये, जैसे मैं ऑन किया, ये पिचिंग है तो ये पावर इसके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, इसमें कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करना की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना डो ओपन करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको सभी सही सही बताता हूँ हर चीज़ में, कि मैं ज़्यादातर एडिटिंग करके आपको कुछ भी चीज़ें नहीं बताता हूँ, जिससे कि आपको समझ में ना आए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है या वीडियो लंबा लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट पे गए हैं, यहाँ पर हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ऐड करते हैं। जैसे कि मिडीकी के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रैक भी ऐड करवाने पड़ते हैं। तो मैं ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पे गया, यहाँ पर हमारा बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वाले जो है बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं कुछ, और कुछ हमें इंस्टॉल भी करने पड़ते हैं। सो मेरे पास ये कॉर्ग का है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको एक सिंथ टोन प्ले करके बताऊँगा, जैसे कि मेरे पास टोन है यहाँ पर, मैं आपको ओके ये वाले टोन बता देता हूँ। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं,
ये इस तरह से आपका कीबोर्ड प्ले हो जाता है। उसकी पिचिंग जो है, अगर ये जैसे कि पिच है ये वाला, इसको मैं अप करता हूँ तो देखिए ये, यानी पिच अप हो गई, ये जो ट्रांसपोज, इसको अगर डाउन करता हूँ देखिए एकदम भारी होगा। और इसको जैसे मैंने ये नोब को अप किया, ये इस तरह से लहराने लगे थे। ये वॉल्यूम का है अप डाउन करने के लिए, ये ट्रांसपोज है, ये आपकी ये स्केल की जो कीज है, ये सारी अगर इसको प्रेस करते हो आपकी ये की चेंज हो जाएगी सारी ना। इस तरह से बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं और आप अच्छे से मिडी की को प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको सीधे सीधे तरीके से बताया बिना किसी एडिटिंग के। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी, और जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं आगे बताऊँगा आपको कि मिडी की कैसे रिकॉर्ड होता है, किस तरह से चलता है, और सारी ट्यूनिंग बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, एंड बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।